हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैंने हल्के फुल्के नाश्ते के लिए मैंने बनाया है ब्रेड का सैंडविच, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से झटपट मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करती है वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ दो सैंडविच बनाने के लिए चार हमने ब्रेड लिया है, और इस ब्रेड पर हम टोमेटो केचप पहले लगा लेंगे। और इसे नाइफ की सहायता से इसे फैला लेंगे अच्छे से, और ये जो सॉस है वो एक ही साइड में लगाना है, मतलब एक ब्रेड के एक साइड में लगाना है, और इस तरह से हम चारों ब्रेड में लगा लेंगे। तो दूसरे की बारी है। तो मैंने चारों ब्रेड पे सिर्फ एक साइड से ही लगाया है। अब हम इस पर लगाएंगे ये आलू। इस आलू को मैंने पहले उबाला है, और उसके बाद से मैंने इसमें नमक, प्याज और मिर्च और थोड़ा सा मसाला अचार का मैंने मिला लिया है। ये शॉर्टकट मैंने आलू तैयार किया है। आप चाहें तो जिस प्रकार से हम आलू पराठा के लिए आलू तैयार करते हैं मसाले वाला या समोसे के लिए, उस तरह का आलू आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये जल्दी जल्दी में मैंने आलू को ऐसे ही बना लिया है। ये भी बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा लगता है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और आलू को हम ब्रेड में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तो इस प्रकार से आलू को अच्छे से लगा लेना है। ये बेसिकली से कहें तो ये आलू का चोखा बन गया है। तो हमें दो ही ब्रेड पे लगाने हैं एक साइड से। तो हमने दो ब्रेड पे आलू लगा लिया है। अब इन दोनों को पहले हम अलग कर देते हैं, और इस पे हम आप लगाएंगे प्याज और टमाटर। आपके पास अगर खीरा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। हम इस पे टमाटर रख लेते हैं पहले। इस प्रकार से हम दोनों ब्रेड पे टमाटर लगा लेंगे अच्छे से। प्याज रख लेंगे और टमाटर भी रख लेंगे। तो हम इस पे क्या टमाटर, अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप खीरा रख सकते हैं। आप बंद गोभी का भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ पे लगा सकते हैं। गैस घर पे बनाने का ही तो फ़ायदा होता है, हम जो भी चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहें स्किप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे टमाटर भी लग गए। अब हम इस पे डालेंगे मायोनीज। आप मायोनीज की जगह पे चीज का ग्रेट करके डाल सकते हैं, पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर मैंने आज मायोनीज का यूज किया है। तो इस पे भर भर के हम मायोनीज डाल देंगे, इसे बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आता है, और ये बहुत ही टेस्टी जो है बन के तैयार होता है। तो ये मैंने मायोनीज इस पे पूरा लगा लिया है अच्छे से, और ये हमारा मायोनीज जो है एगलेस है, और ये इजीली मार्केट में जो है दुकान पे मिल जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा हम फैला देंगे, थोड़ा अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। वैसे जब इस पे अगला ब्रेड जब आएगा तो अपने आप ही फैल जाएगा। अब इस पे हम लगाएंगे ऊपर से एक और ब्रेड जो हम लोग हमने सॉस लगा के रखा था। अब इसको पलट के इस पे रख देना है, और इसको अब हम इसको सेक लेंगे। तो चलते हैं तवा की तरफ। तो हमने तवा गर्म होने के लिए रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर घी। आप चाहें तो बटर का यूज कर सकते हैं, और आपके पास घी और बटर दोनों का नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे, और अब इस पे हम अपना ब्रेड रख देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेड जो है, और तरह से मैंने निकलते हुए कितना सुंदर दिख रहा है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और जो शाम की छोटी छोटी भूख होती है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये नाश्ते के लिए, और इसे खा के बच्चे या बड़े सभी बहुत खुश होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारे परिवार में और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आपके घर में भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये बिल्कुल आसानी से झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो इसे हम पलट लेते हैं, पहले इसे खाएंगे और थोड़ा सा घी और डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा घी में सिक जाता है। इसे पलट के हम दूसरी साइड से रख देंगे। तो हमारा ब्रेड दोनों साइड से सिक चुका है, आप देख सकते हैं इधर दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से सिक गया है। तो उसको मैंने निकाल लिया है, अब दूसरे वाले को भी इसी प्रकार से हम सेक लेंगे।
थोड़ा सा घी डाल देंगे। एक दूसरा वाला भी ऐसे ही रख देंगे। बस 2 मिनट लगते हैं इसे सीखने में और ये काफी जल्दी बन जाता है। पलट के देते हैं, आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है और काफी अच्छा इसमें से सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। तो हमारे दोनों सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है और ये चारों तरफ से कितना अच्छा सिक गया है और बहुत ही टेस्टी हमारा सैंडविच बन के तैयार हुआ है। तो आप भी जब हल्की फुल्की भूख हो या बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता देना हो तो आप इस तरह के सैंडविच ट्राई कर सकते हैं और बड़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।